नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची सिन्हा। बिहार विधानसभा में इस वक्त बजट सत्र चल रहा है, लेकिन कार्रवाई शुरू होने के पहले ही सदन के बाहर आए दिन हंगामा देखने को मिलता है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर के विपक्ष के तरफ से सवाल खड़ा किया गया सरकार पर और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। आप सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। विपक्ष के जो विधायक हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजियां कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको हम बता दें कि विपक्ष के जो नेता हैं आरजेडी से विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार के खिलाफ निशाना साधा है। जरा आप सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार सहित पूरे देश में पदार्थों का दाम रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, घर की महिला परेशान है, चाहे वो डीजल का मामला हो, पेट्रोल का मामला हो, चाहे वो गैस सिलेंडर का मामला हो, सारे चीजों पर दाम रोज बढ़ रहा है। और जब इन चीजों पर दाम बढ़ेगा तो महंगाई चरम सीमा पर होगी। ये सरकार केवल पूंजीपतियों की भलाई के लिए सब काम कर रही है, जनता के हित में, किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। ये जनता को केवल परेशान कर रही है। जिस तरह से गजनी आया था और देश को लूटा था, उसी तरह ये बीजेपी वाले आए हैं, देश को लूट रहे हैं, एनडीए वाले लूट रहे हैं। जिस तरह तो आपने सुना उनके बयानों को, सीधे तौर पर, साफ तौर पर वो नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि बिहार सरकार तो पूंजीपतियों की सरकार है, ये आम जनता के बारे में नहीं सोचती है। आपको हम बता दें कि ऐसे भी कार्रवाई शुरू होने के पहले सदन के बाहर आए दिन किस बिहार में जो भी मुद्दा चल रहा होता है उसका प्रदर्शन किया जाता है, उसको लेकर के, चाहे फिर हम बात करें बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर के या फिर बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर। अब बहरहाल ये देखना होगा कि सदन के अंदर सरकार की तरफ से इस पर क्या कुछ जवाब सामने आता है। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।